पूर्व मुख्यमंत्री भाई श्री सुरेश भाई मेहता, आपका आदेवान हो जाएगा, अने केंद्रीय पूर्व मंत्री एवं काशीराम भाई राणा, अने युवानों अने तमाम वर्गना जे जे लोग एमना परिचय में आया छे एवा तमाम लोकोना हृदय में जेमने स्थान प्राप्त करू छे एवा भाई श्री गोवर्धन भाई गढ़तिया, मंच पर बैठे हुए सभी लोग, अपने यहाँ पधारे हुए संतगण, आप सब अभी कार्यकर्ता तो कैसे कहूं क्योंकि आप सदस्य तो बने नहीं, लेकिन ये पार्टी होनी चाहिए ऐसे मानने वाले लोग, प्रजा में से भी बहुत लोग आए हैं जिसको मैं नहीं पहचानता, कुछ पहचान वाले लोग भी यहाँ पर है, ऐसे सब उपस्थित बहनें और भाई, आज हमने डिक्लेयर किया था कि आज हम घोषणा करेंगे अपनी पार्टी नई पार्टी कौन सी होगी। हमने यहां अभी दीप का प्रकटीकरण करके और जिसको उद्घाटन करके पार्टी का नाम यहां इस मंच से हम डिक्लेयर कर रहे हैं, हमारी पार्टी का नाम है गुजरात परिवर्तन पार्टी। अधिकृत रूप से मैं अध्यक्ष के तौर पर पार्टी का नाम डिक्लेयर कर रहा हूं। इसका आनंद मनाने के लिए आप सब यहां पर इकट्ठे हुए हैं। आज तो अब शुरुआत है, अभिलामी लंबी दो दौड़ना है। आज मैं ज्यादा प्रवचन करने वाला नहीं हूं क्योंकि अपनी पार्टी का उद्देश्य क्या, अपनी पार्टी की नीति क्या, अपनी पार्टी की नीति क्या है वो मैं आज डिक्लेयर करने वाला हूं। अभी भी पार्टी के अलग अलग पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई, हम लोगों ने बैठ करके चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि केशु भाई तुम नई पार्टी का अध्यक्ष बनो, मैंने हाँ कही और अध्यक्ष के तौर पर इस मंच पर पहली दफे में बैठा हूं और अभी पार्टी का पदाधिकारी और उसकी नियुक्ति मुझे करनी है, ये भी करूंगा और अपनी पार्टी का कार्यक्रम क्या बनने वाला है इसकी चर्चा भी चल रही है, ये भी हम उसकी भी को घोषणा करेंगे। इसलिए आज उद्देश्य और नीति लागू के बारे में मैं कहूंगा, पार्टी विचारधारा और निष्ठा है, हम
कौन सी निष्ठा से प्रतिबद्ध है, हमारी विचारधारा क्या। गुजरात के बीच नर्मद, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूज्य रविशंकर महाराज और इंदुलाल याग्निक जैसे महापुरुषों ने गुजरात का स्वप्न देखा था। ऐसा गौरवशाली गुजरात और भारत के निर्माण हेतु से एकात्म मानव दर्शन, व्यवस्थायुक्त समाजवाद, समन्वय, प्रगति का मानववादी मॉडल, रचनात्मक अभिगम, सबको न्याय, सर्वधर्म समभाव, पारदर्शक प्रशासन और उच्च मूल्य आधारित राजनीति के द्वारा गुजरात की अस्मिता को उजागर करने में गुजरात परिवर्तन पार्टी विश्वास करती है। राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ आम आदमी का सर्वांगीण विकास जिसका केंद्र बिंदु हो, ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। गुजरात परिवर्तन पार्टी जिसका दृष्टिकोण आधुनिक मानवतावादी और प्रगतिशील हो, भारत के गौरव में ही गुजरात का गौरव हो, ऐसी परिपक्वता के साथ सुरक्षित, समृद्ध, सर्व समावेशक, सर्व मंगलकारी, सर्वश्रेष्ठ गुजरात और राष्ट्र के निर्माण के लिए पार्टी वचनबद्ध है। समन्वय, समरसता, सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव द्वारा भारत के बंधन के साथ सुसंगत हो, ऐसे राष्ट्र निर्माण के लिए पार्टी वचनबद्ध है। हम प्रजा को आश्वासन देते हैं कि आपका दुख, विडंबना, तकलीफ है, हम दूर करेंगे और गुजरात की अस्मिता खत्म करने की कोशिश राज्य सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए, पुनर्स्थापित करेंगे। भारत माता की मानवी जेना केंद्र में हो, सौ माते संवेदना भरो विशाल हृदय अभिगम हो, तेवी गुजरात ने सर्वश्रेष्ठ बनावा राष्ट्रभावना ने सर्वोपरि राखी ने श्रेष्ठ वहीवट अने व्यवस्था वाली पद्धति अने मूल्य आधारित जाहिर जीवनना उच्च आदर्श आदर्श साथ रचायेली आ पार्टी एटले गुजरात परिवर्तन पार्टी। राष्ट्रभक्ति ना भाव साथ मानवी नो सर्वांगी विकास जेनु केंद्र बिंदु होय, राज्य नो संवेदना भेरो अभिगम होय तथा प्रत्येक मानवी ने सुखी करीने मजबूत भारत नो निर्माण था, ये गुजरात परिवर्तन पार्टी नो ध्येय छे। जेनो दृष्टिकोण विशाल, आधुनिक, मानवीय अने प्रगतिशील होय तेवा भारत ना गौरव में गुजरात नु गौरव छे। तेवी परिपक्वता साथे सलामत, समृद्ध, सर्व समावेशक, सर्व मंगलकारी, सर्वश्रेष्ठ गुजरात अने राष्ट्र होय तेवी पार्टी नी अमारी नेम छे। समन्वय, समरसता, सहिष्णुता अने सर्वधर्म समभाव द्वारा भारतना बंधारण साथे सुसंगत होय तेवा राष्ट्रना निर्माण माटे पार्टी वचनबद्ध छे।
पार्टी नु लक्ष्य के एक एवं लोकशाही राज्य की स्थापना करनी के जेमा ज्ञाति संप्रदाय तथा लिंगना भेद वगर तमाम नागरिकों ने राजनैतिक सामाजिक तथा आर्थिक न्याय समान अवसर तथा धार्मिक विश्वास तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले। हवे हूँ कही रो छु आप जयरे नवी पार्टी बनाए थे तो भारत बंधारण प्रत्ये अपनी निष्ठा भारत बंधारण प्रत्ये निष्ठा गुजरात परिवर्तन पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रत्ये तथा समाजवाद पंथ निरपेक्षता अने लोकतंत्र सिद्धांतों प्रति श्रद्धा अने निष्ठा राखशे तथा भारत की प्रभुता एकता अखंडता ने अक्षुण राखशे। मूलभूत विचारधारा ने नीति वीर नर्मद महात्मा गांधी सरदार पटेल पूज्य रविशंकर महाराज अने इंदुलाल याज्ञिक की कल्पना वालू गुजरात अने गौरवंता भारत ना निर्माण माटे एकात्म मानव दर्शन आधारित विकेंद्रित व्यवस्था वालों समाजवाद सर्व क्षेत्र समन्वय विकास नो मानवीय मॉडल पॉजिटिव अभिगम सर्व ने न्याय सर्व धर्म संभाव पारदर्शकता वालो वहीवट अने उच्च मूल्यों आधारित जाहिर जीवन द्वारा गुजरात की अस्मिता उजागर करवामा गुजरात परिवर्तन पार्टी विश्वास राखे छे। भारत माता की जय। गुजरात परिवर्तन पार्टी जिंदाबाद। गुजरात परिवर्तन पार्टी जिंदाबाद। गुजरात परिवर्तन पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अभी 3-4 दिन लगेगा और कार्यक्रम भी डिक्लेयर करेंगे। कार्यक्रम भी डिक्लेयर करेंगे। कार्यालय की चर्चा हो रही है। केशु भाई एमजेपी आपके साथ रहेगी या अलग रहेगी? एमजेपी अभी निर्णय कर लेंगे। केशु भाई कर लेंगे। देखो उनके जब साथ में अधिकृत ग्रुप से वो डिक्लेयर करेंगे। केशु भाई नरेंद्र मोदी और बीजेपी से कैसे अलग पड़ेगी आपकी नई पार्टी? नरेंद्र मोदी और बीजेपी से कैसे अलग पड़ेगी आपकी नई पार्टी? देखो हमारी पार्टी नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति में विश्वास रखते हैं, हम लोकशाही में विश्वास रखते हैं। कैसे मुकाबला करेंगे इतनी बड़ी पार्टी और चुनाव में अब 3 ही महीने कैसे मुकाबला करेंगे? हमारा कार्यक्रम के लेकर के आएंगे और मुकाबला करेंगे। कार्यक्रम बन रहा है वो कार्यक्रम। भाई कसरिया की पार्टी परिवर्तन पार्टी है क्या, उनका भी विलीनीकरण हो जाएगा आपके साथ? वो तो हमारी चर्चा चल रही है, वो मिलेंगे। वो क्या सोचते हैं वो हमारे मंच पर भी आए हैं आने वाले दिनों में। शंकर सिंह वाघेला क्वेश्चन वहाँ से पूछ रहे हैं। एक शंकर सिंह वाघेला जुड़ेंगे आपके साथ केशु भाई? मेरी तो कोई बात हुई नहीं। अरे पहला बोलो, पहला प्रश्न बोलो, क्या आपको आरएसएस का समर्थन है? देखो एमजी के प्रेसिडेंट हमारे साथ बैठे हैं, वो पार्टी भी उन्होंने अधिकार दे दिया है गोर्धन भाई झड़पिया को, वो 1-2 दिन में डिक्लेयर कर देंगे। आरएसएस तो आरएसएस से अलग संस्था है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, तो इनका उनका समर्थन वो जाहिर में कभी भी किसी को नहीं देते। अच्छा आपने केशु भाई
धीरे 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 यशु भाई, आपके साथ जुड़े आपने पार्टी छोड़ी, इसके बाद बीजेपी हाईकमान से आपसे बात की? अरे मैंने कितनी दफे बात की, मैंने आवेदन पत्र भी दिया है, वो भी 1.5 महीने पहले, कुछ जवाब नहीं दिया। हाँ बोलो। तो अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। पार्टी कहेगी तो जरूर लड़ूंगा। आप लोगों के बीच जाएंगे चुनाव में, प्रमुख मुद्दा आपका चुनाव में? हम तो प्रमुख मुद्दा जो है कार्यक्रम मैंने कहा ना, वो बनाओ, जाएंगे चुनाव में। एक मिनट, धीरे धीरे भाई, एक एक पच्चीस एक आप पूछो। अब पहला खाइए, वो मीठा खाइए, हम मिलेंगे। ये बहुत लोग हैं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपका प्रश्न। दामले जी हमारा श्रेष्ठ वरिष्ठ है और पार्टी में नहीं है, वो उनका आशीर्वाद है। आज बोला बीजा भाई, मेहरबानी करीने एक एक पत्रकार मित्रों ने एक एक ने पूछवा दो, बधाने उत्तर नाखो। तमारा ચૂંટણી પ્રચાર ના મુદ્દા શું છે સર? એ કાલે 2 દિવસ પછી, થોડા દિવસ પછી હું કહેવા માંગુ છું, મારી વાત તો ચાલી आपकी संगठन से बात हुई कि नहीं, ये पूछ रहे? अरे मैंने जवाब दिया, मेरी बात नहीं हुई। ये तो मेरी पार्टी जहाँ कहेगी वहाँ चुनाव लड़ूंगा।